जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब। और आज बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक जो ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए त्योहार का अवसर होता है, तो एक त्योहार जो हमारा है और हर साल इसी दिन आता है और हम हर साल मनाते हैं। रेडियो उड़ान इज द पाइनियर इन सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल्स विद रिगार्ड टू पर्सन विद डिसेबिलिटी आर दोस फेस्टिवल्स दोस डेज हु आर एसोसिएटेड विद विजुअल विद अ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल और डिसेबिलिटी कम्युनिटी। तो आज वर्ल्ड वाइड केन डे तो है ही है और साथ में आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है, तो दोनों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इंडिया में बहुत जोर शोर से सेलिब्रेशन हो रही है और वर्ल्ड में भी बहुत सेलिब्रेशन। वर्ल्ड वाइड केन डे यानी वर्ल्ड वाइड केन डे सेफ्टी डे 1964 में ये शुरू हुआ। इसको मनाना कांग्रेस ने, जो अमेरिकन कांग्रेस है, उसने रेजोल्यूशन पास किया। ठीक एक घंटे बाद जो लिंडन बी जॉनसन वहां के प्रेसिडेंट थे, एक घंटे में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये वर्ल्ड वाइड केन सेफ्टी डे मनाया जाएगा। पर्पस एक ही, जैसा आप सभी जानते हैं, लोगों को जागरूक करना, ब्लाइंड पर्सन की अचीवमेंट्स को लोगों को बताना और लोगों को अवेयर करना। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, अगर उसकी बात करूं तो जनरली वो सेलिब्रेट किया जाता है, उसका भी मकसद सेम है, लोगों को अवेयर करना मेंटल इलनेस के बारे में, या लोगों को ये बताना कि मेंटल इलनेस के क्या अफेक्ट होते हैं, क्या इम्पेक्ट होते हैं और किस तरह बाकी शरीर को वो डैमेज करते हैं, या किस तरीके से हमें पर्सन विद मेंटल इम्पेयरमेंट के साथ पेश आना है, उनकी जरूरतें क्या हैं और लोगों को अवेयरनेस करवानी है। तो पूरे भारत में, जैसे मैंने कहा, और वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया गया, लेकिन हमें लेट अस गिव द क्रेडिट टू द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अमेरिका, जिन्होंने जुलाई 6 को 1963 को तो अमेरिका यूएसए की 50 स्टेट है, वहां के गवर्नर को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि कम फॉरवर्ड एंड डिक्लेयर इट वर्ल्ड वाइड केन डे। तो सभी ने उनकी बातों को माना, लेकिन इट वाज ए एब्सोल्यूट ग्रेट एडवोकेसी एफर्ट फ्रॉम द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अमेरिका, वी मस्ट अप्रिशिएट। एंड 2011 में एक कहते हैं कि सेंसिटिविटी नाम की एक चीज होती है, इट शुड नॉट बी ऑन पेपर, इट शुड नॉट बी यू नो फोटो अपॉर्चुनिटी, इट शुड कम फ्रॉम द विद इन। एंड इट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन 2011 व्हेन द अनदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर बराक ओबामा डिक्लेयर्ड वर्ल्ड इक्वालिटी डे। तो इतनी बड़ी बात, वहां इतनी सेंसिटिविटी पर्सन विद विजुअल इंपेयर्ड एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो लेट अस सैल्यूट टू देम। एंड धीरे धीरे ये बात आ गई, पूरे वर्ल्ड में फैली और 1964 से 15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड केन डे या इक्वालिटी डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ इसके ऊपर आपको बहुत हम फैक्ट देंगे, आपको मजेदार बातें बताएंगे, वाइट केन वाइटी क्यों है ये भी बताएंगे। और लेकिन उससे पहले हमारे साथ बाकी लोग हैं, उनका तारुफ भी करवा देंगे। 8 से 9 रहेगा, थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन दे। हमारे साथ रहमान साहब हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब, और जी रहमान साहब, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हम आप तमाम लोगों को जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन्हें वाइट केन डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और ये भी उन्हें बताना चाहेंगे कि देखिए, ये केन ही हमारी पहचान है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे उसी ये सांस की आवाज, मोदी साहब थोड़ी सी सांस की आवाज आ रही है माइक के, थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि हम अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम लोग केन से शर्म करते हैं, हम वाइट केन लेकर चलना पसंद नहीं करते। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना खतरे में डाल लेते हैं अपने आप को, लेकिन हमने कुछ बच्चों को भी देखा, कुछ लड़कियों को भी देखा जो विदाउट केन, मैं बात खासतौर पर नैब के बच्चों की करूंगा, एनएबी के बच्चों की, जो कि कुछ बच्चे वहां सामने सेक्टर 4 में आरकेपुरम में मार्केट है, वो लोग बिना केन लिए कभी कभी सड़क पार करके चले जाते हैं और बहुत बड़ा हैवी ट्रैफिक होता है वहां पर। तो हम उन सब बच्चों को ये सलाह देंगे, लड़के लड़कियां जो भी हैं या बड़े लोग भी जो लोग केन को पसंद नहीं करते, उनको ये चाहिए, देखिए जब एक इम्पेयरमेंट हमें मिली है तो हम इससे क्यों घबराएं, क्यों कटें, जो सच्चाई है उसे हम गुरेज क्यों करें। ये केन ही हमारी सिक्योरिटी है, ये केन ही हमें
हर तरह से सहारा देके हर तरह से हमें सुरक्षित करेगी। तो ये केन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अपनी जान से भी ज्यादा, इसको अपने साथ हमेशा रखें। शिव जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल मोदी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल गुरमुख भी है, गुरमुख आपका भी बहुत स्वागत है। जी सर जी, मोदी जी 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 दोस्तों, केन केन जो है वो केन मुझे बहुत ही पसंद है। मैं केन जिसने भी निकाली उसका बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि केन के हिसाब से अभी मैं रोड भी क्रॉस कर सकता हूँ एकदम इजीली, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और मैं अकेला कहाँ भी घूम सकता हूँ। तो केन डे आज मनाया जाता है वो हर हाल में एकदम सही डे है। मैं तो कहता हूँ हर रोज मनाए, एक ही दिन क्यों मनाते, हर रोज मनाए। थैंक यू। बिल्कुल मोदी साहब आप बने रहिए, हम आपसे बातचीत करें। जी गुरमुख जी। जी रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि हम व्हाइट कैन डे मना रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये जो दिन है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और हमें इस दिन को ज़रूर से मनाना चाहिए। और इस दिन में हमें और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिन्हें आज तक व्हाइट कैन के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें व्हाइट कैन के साथ जोड़ना भी चाहिए। और हमें चाहिए कि हम उनको उनके घरों से निकालें, उन्हें बताएं कि जिस तरह से बाकी लोग आ जा सकते हैं हर कहीं, आप भी आ सकते हैं, आप भी कहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, इट केन डे मीन्स सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये 1964 में जब ये हुआ तो बताया गया उनको, और वहाँ पर ड्राइवर्स को बताया गया कि इस दिन आप उनकी हेल्प करें, अगर नहीं भी है तो लोगों को बताएं वहाँ पे आपने रुकना है, अगर कोई व्हाइट केन डे पे कोई जा रहा है तो लोगों को बताना है। जैसे मीत मोदी ने कहा कि हमें इस दिन जनरली हम बहुत कम करते हैं, लेकिन हर किसी को अपने आसपास कम से कम 10 लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाए तो ये काफ़ी लोगों को इससे अवेयरनेस मिलेगी। जी बिल्कुल ठीक। मीत तो मोदी ने कहा कि ये व्हाइट केन जिन्होंने भी निकाली उनके बहुत ये धन्यवाद हैं, बिल्कुल हम भी हैं। ये बहुत ही मुश्किल कहना है कि ये किसने निकाली, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रुथ तो नहीं है, लेकिन जो रिसर्च बेस्ड फैक्ट हमारे पास है उसमें एक जिक्र आता है 1930 का, जॉर्ज ए बोनम जो प्रेसिडेंट थे। और जी मैं भी ये शायद मैंने सुना है तब तक वो एक फोटोग्राफर है, मैंने सुना है तब तक नहीं, पियोरिया लायंस क्लब के ये प्रेसिडेंट थे। जी जी प्रेसिडेंट थे बोनम। तो इन्होंने रास्ते में एक शख्स को जाते हुए देखा विश्वलिम पेड़ को स्टिक के साथ, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस समय वो ब्लैक स्टिक लेके चल रहे थे। तो जो मोटर चला रहे थे आदमी, जो मोटरिस्ट थे, उनको नहीं पता लगा कि ये क्या इशू है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं उसकी ओर ध्यान दिया। तो फिर इन्होंने उस ब्लाइंड की हेल्प की और उसको ये कहा कि आप इसको व्हाइट बनाएं ताकि लोगों की इंटेंशन, लोगों की जो अटेंशन है वो सीधी आपको मिले, और साथ ही साथ उस पर रेड स्ट्रिप कर दी, लाल पत्तियां बना दी उसके ऊपर। तो उसके बाद ये जो आइडिया था ये बहुत ही दूर दूर तक फैला। तो उसके बाद ये चला कि व्हाइट केन डे होगा, और उसके बाद ये 1930 या फिर 1930 से 1964 का हमने बताया कि किस तरीके से NFB ने एफर्ट्स किए। और अभी तो हाईटेक आ रही है इंडिया में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो व्हाइट केन है उसका बहुत है। लेकिन एक और फैक्ट बता दूं, हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेट चीज है इस डे में, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, अगेन इसका भी कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो रिसर्च बेस्ड जितना भी एनालिसिस इकट्ठे हुए हैं उस रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2-8% लोग व्हाइट केन का यूज करते हैं, केन का यूज करते हैं, व्हाइट केन का तो क्या मतलब, 2-8% विजुअली इम्पेयर्ड में से सिर्फ ज्यादा मतलब 92% अगर हम 8 मान लेते हैं जो हाईएस्ट आंकड़ा है, तो भी 92% लोग इसको यूज नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है हम साथ साथ बात करेंगे। रहमान साहब ये आंकड़ों पर क्या कहना है आपको? हाँ ये सच है, हम आगे देखते हैं। बिल्कुल ये किसी हद तक सही है, और जैसा कि हमने जिक्र किया था आपसे कि
नैप के बच्चे, क्योंकि हम तो उन बच्चों से ज्यादा जुड़े हुए हैं थोड़े से, तो देखते हैं। मेरा ख्याल है इस बात को ज्यादा साफ करेगा हमारा एक प्रोमो, आइए हम वो प्रोमो सुन लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल। यार सुमित एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं व्हाइट केन डे सेलिब्रेशन ऑन रेडियो उड़ान ऑफ फाइट ऑफ लाइफ, द ओनली डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो इन इंडिया, Only Disability Community Radio in India। जोश में होश खो रहा हूँ और वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं। तो anyway, जैसे हमने बताया कि दो फेस्टिवल है आज, तो दोनों जगह अवेयरनेस चल रही है। मुंबई में प्रोग्राम करवाए गए, राइजिंग फ्लेम ने करवाया है और काफी ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ चढ़ के करवाए हैं, और अमेरिका में तो हर जगह पे जगह पे फ्रांस अमेरिका यूके प्रोग्राम करवाते हैं। टेक्निक जैसे हमने कहा कि आजकल स्मार्ट केन्स आ गई हैं, जैसा हमने पहले बताया सिर्फ 2-8% लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है साइटेड गाइड या फिर गाइड डॉग उसकी मदद लेते हैं 92% लोग। स्मार्ट केन पे बहुत अलग अलग डिवाइसेस भी बनी हैं, कई लोग उसको स्मार्ट केन के रूप में यूज़ करते हैं, कई लोग उसको रिंग के रूप में यूज़ करते हैं, कई लोग बैंड के रूप में यूज़ करते हैं, कई लोग जैकेट्स के रूप में यूज़ करते हैं, कई लोग गोगल के रूप में यूज़ करते हैं, कई लोग शू के रूप में यूज़ करते हैं। तो एक जो सेंसर होता है, मतलब गुरमुख है, ये ज़्यादा बताएंगे इनके बारे में। जी धनीश जी, तो ये जो स्मार्ट केन इंडिया में बन रही है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये एक कंपनी है फिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आप बताना जी आपका तजर्बा क्या है। आपको अगर दोनों में से एक केन यूज करनी है जी, व्हाट वुड यू प्रेफर, व्हाइट केन और स्मार्ट केन? देखिए मैं स्मार्ट केन यूज करना ज्यादा पसंद करूंगा। ऐसा नहीं है कि उससे व्हाइट केन की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है, वो खाली एक इन्हेंसमेंट है जिसे हमें समझना होगा कि ये एक इन्हेंसमेंट है, ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके आप बताइए उसके बारे में। हाँ। जी तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक कंपनी है फिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि ऐसा कहती है कि जिस कॉस्ट पे हम इस केन को बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसी प्राइस पे हम इसको सेल कर रहे हैं। और जिस टाइम मुझे इसके बारे में पता लगा था तो मुझे सक्षम पंजाब में बुलाया गया था और वहां पे मुझे इसके बारे में बताया गया था, सिखाया गया था कि इसका काम करने का तरीका क्या है और इसमें किस किस तरीके से हम चल सकते हैं, उसकी रेंज किस तरह से डिवाइड करनी है 3 मीटर में और उसके बाद फिर 1.8 मीटर में, और इसकी जो रेंज है वो 3 मीटर की मैक्सिमम है और इसमें वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं देखने को, जैसे वेव्स निकलती हैं इसके अंदर से, जैसे कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो उससे वेव्स के थ्रू हमें पता चलता है, वाइब्रेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे सामने कोई चीज़ आ रही है या कोई चीज़ हमारे सामने है और उससे हमें बचना है। जी जिमी, लेकिन ज्यादातर गुरमुख का जो निकनेम जिमी है, तो अगर मैं जिमी बोलूं तो ये मत समझना कि किसी दूसरे शख्स से बात कर रहा हूं, तो गुरमुख से ही बात कर रहा हूं। तो जिमी ये बताइए आपकी ये जो बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है अनप्लेजेंट है
स्मार्ट केन को लेके जी, तो हाउ यू आर कंफर्टेबल? बहुत सारे लोग खुश नहीं है, यूज नहीं करने आता जहाँ हर किसी को ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। देखिए बात वही है कि जो आप, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले अभी बात कर रहे थे कि बहुत कम लोग यूज करते हैं, और जो लोग यूज भी करते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें यूज करने का सही तरीका पता नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि पहले जब हम कैन यूज करते थे, स्मार्ट केन यूज करते थे, तो वो एक नॉर्मल केन होती थी, हम उसे कहीं भी ले जा सकते थे और किसी तरीके से भी उसको यूज कर सकते थे। उससे क्या होता था कि काफी लोग चोट खाते थे, गिरते थे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इस चीज का खतरा तो कम हो जाता है, लेकिन अगर हमारा तरीका है जो उसको यूज करने का वो सही नहीं है तो वो हमें ज्यादा नुकसान दे सकती है। दुरुस्त फरमाया। अब हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी भी जुड़े हैं हिसार हरियाणा से। मनीष बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत रिसेंटली जुड़े हैं डिसेबल कम्युनिटी के साथ, और मोबिलिटी जो चलना फिरना है जो वाइट केन है, क्या इस आपने पहले इसके बारे में सुना या आपके खुद के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, बताएं। हेलो दानी जी। जी केन के बारे में मैंने अभी साल भर से ही सुना है, बस अभी साल भर से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, ज्यादा मान लो कि 3 महीने से ही। ऐसे ज्यादातर केन का मैंने पहले देखा ही था बस टीवी में, और मैं एक्साइटेड था केन यूज करते हैं कैसे करते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि कैसे यूज करते हैं कैसे चलते हैं, पर ये है कि यहाँ ये जरूरी है बहुत हमारे लिए, ब्रांड के लिए इसको सीखना चाहिए केन यूज करना, इसकी मदद से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मनीष एक बात बताएं कि जो लेट ब्लाइंड होते हैं, जो बाद में ब्लाइंड होते हैं, तो एक सोशल स्टिग्मा रहता है कि अगर आप व्हाइट केन से, यार मैं कैसा दिखूंगा, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, तो उस पर क्या वो वाला थॉट कभी आता है खुद के मन में कि जा अभी क्योंकि आप सारे लोगों से जुड़ गए हो तो वो चला गया, जब पहले कभी वो थॉट आता था? नहीं, ये तो अभी भी थॉट है, पहले भी था और अब भी है, ये है इसी वजह से अब यूज करना मुश्किल है मेरे लिए, तो मेरे अंदर तो बहुत है ये थॉट। आप दिल से यूज करना चाहते हैं लेकिन ये सोशल स्टिग्मा के कारण आप नहीं कर पाते हो? हाँ, लेकिन बाहर निकल नहीं सकते केन को। तो अभी हम जुड़ने के साथ, हम लोगों के साथ जहाँ कुछ चेंज है, जहाँ अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी भी लग रहा है कि मुश्किल है इतनी? नहीं, अभी भी मुश्किल है केन का, तो अभी बाहर निकलना मुश्किल है, घर से बाहर निकलना केन लेके। अच्छा, लेकिन जब बाकी लोगों को देखते हो, आप हमसे बात करते हैं, बाकी लोगों को सुनते हो कि मैं अकेला वो जा रहा हूँ, मैं आज वहाँ फिल्म देखने जा रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो किस तरह की फीलिंग केन को लेके? तो अच्छी आते हैं कि हाँ केन बहुत अच्छा सहारा है, ये सब जा पा रहे हैं, हम यूज नहीं कर रहे तो हम नहीं जा पा रहे, माइंडसेट वैसा बना नहीं, यूज करें केन को। हो सकता है आने वाले सालों में आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। हाँ, जब तक ये मतलब शर्म जाएगी कि केन यूज करने वाली। जी देखिए दानी जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा और जी, और मुझे यहाँ पे मनीष जी से कुछ कहना है कि देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सैफकर ने हमें बताया कि ये केन जो है ये हमारी पहचान है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम लोग जैसे सड़क पे चलते हैं, अगर हम बिना केन के चलेंगे तो शायद कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो दूर से आ रहा है उसे ये पता ही नहीं चल पाता कि हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने हाथ में केन रखेंगे तो सामने वाला भी सावधान हो जाता है। तो ये अगर हम इसे अपनी पहचान के रूप में लें, ना कि इस रूप में लें कि ये मतलब हम इसे यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए बनी है, असल में ये हमारी पहचान है और ये लोगों को बताती है कि हम ऐसे हैं, तो लोगों को सावधान करती है हमारे बारे में। मैं कभी आबाद ना होता, शायद व्हाइट केन ना होती तो मैं आजाद ना होता। तो ये वरुण है हमारे साथ। वरुण, बहुत स्वागत है आपका भी, आप यूज कर रहे हैं व्हाइट केन की, तो क्या कहेंगे? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। और व्हाइट केन जो है दानिश, मैं 2010 से यूज करता आ रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे यूज करने नहीं दी जाती थी, मेरे घर वाले नहीं यूज करने देते थे, लेकिन जब मेरे फादर आए लंदन से, तब उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को स्टिक यूज करनी चाहिए और तुझे जो है वो इंडिपेंडेंट खुद ही बनना पड़ेगा। तो तब से मैं स्टिक यूज कर रहा हूँ, और अभी कल की बात है, मैं गया था कुरुक्षेत्रा, तो मैंने उतरना था पिपली, तो पिपली से पहले ही बस वाले ने सबको उतार दिया पिपली का नाम कह के,
तो मैंने स्टिक पकड़ी, तो किसी ने मुझसे आगे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे पिपली ही उतरना था, तो उन्होंने कहा ये तो टूरिज्म का होटल है जहाँ पे बसेस रुकती हैं, तो वो तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो अगर मेरे पास वो केन ना होती उस समय तो कोई भी मेरी हेल्प करने ना आता। बिल्कुल, लोगों को पता ही नहीं लगता ब्लाइंड है, लोग पास से चले जाते हैं और कोई देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, व्हाइट केन से बहुत बार इसकी ये हेल्प हो जाती है। और एक चीज और मैं बता दूं कि 1944 में रिचर्ड ई हूबर, ये जो वर्ल्ड वॉर टू वेटरन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने टेक्निक दी थी केन को सेंटर में रख के आगे और पीछे स्विंग करने की, जो हम दाएं बाएं घुमाते हैं, तो इस टेक्निक को हूबर टेक्निक कहा जाता है। तो 1944 में ये टेक्निक इन्होंने इजाद की थी, जिसको आज भी लोग हूबर टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि केन किसने सबसे पहले यूज की, ये तो केन वाले को भी नहीं पता होगा तो ये किसने की, लेकिन टाइम टाइम पे जैसे परिवर्तन होता रहता है, मॉडिफिकेशन होती रहती है, टेक्निक इवेल्यूएट होती है, तो उस तरीके से 1944 के बाद आज तक ये वाली टेक्निक जो है बहुत पावरफुल है। अगर स्मार्ट केन भी आपको लेनी है तो उसमें भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से यूज करते हैं व्हाइट केन की तरह। हालांकि जिमी क्या मेथड होता है थोड़ा व्हाइट केन को उस दाएं बाएं हमने घुमाना होता है स्मार्ट केन को? देखिए, जो जो तरीका है उसे इस्तेमाल करने का वो बिल्कुल सेम है, लेकिन होता क्या है कि अगर हमारा तरीका है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, एक्चुअली जो तरीका है स्टिक से चलने का, मैं अपने सुनने वालों को एक बार बताना चाहता हूँ कि जो तरीका है वो हमारे स्टेप्स के हिसाब से होना चाहिए। यानी जब हमारा जो पैर हमारा पीछे है, हमारी केन उस तरफ होनी चाहिए, और जब हम ताकि जब हम उस पैर को आगे लेके जाएं तो हम गिरे ना, हमें पता लग जाए कि आगे कोई खड्डा है या क्या है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि या तो वो अपने इस शूज के बिल्कुल राइट साइड में करेंगे स्टिक को, या बिल्कुल लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो उससे क्या होता था, जब हमारी जो नॉर्मल केन जो पहले होती थी व्हाइट केन होती थी, स्मार्ट केन नहीं होती थी, तो उससे क्या होता था, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे ये इसमें वेव्स निकलती हैं और वाइब्रेशंस होती हैं, तो कई बार क्या होता है जो जैसे कोई गाड़ी खड़ी है या कुछ और चीज है, दीवार है मान लीजिए, वो लेफ्ट में है राइट में नहीं है, तो उस चीज की कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम उसे सही से यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो सर एक और प्रोमो सुना दे, फिर हमारे साथ और लिसनर भी है, उनसे भी बात करते हैं। रमान साहब आप हैं हमारे साथ? जी हैं, आपके साथ हैं हम। बिल्कुल, अगर नहीं और... यूज करें क्या होगा, एक प्रोमो सुना देते हैं। बिल्कुल साहब, ये लीजिए दूसरा प्रोमो। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू कर जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। या वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्ल्ड वाइड केन डे, इक्वलिटी डे, सेफ्टी डे और अवेयरनेस डे। तो आप किसी भी रूप में इसको मना सकते हैं और हम उड़ान पर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड केन डे से रिलेटेड। कुछ अननोन फैक्ट्स आपको बता रहे हैं जो कि लेसर नोन फैक्ट्स हैं, बहुत कम लोग जानते हैं।
लगता है कि हमारा संपर्क दानिश जी से कट गया है, अभी हम उन्हें जोड़ते हैं, आप बने रहिए। तो माफी चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल रीजन के कारण हमारा शो डिस्कनेक्ट हो गया। शायद साहब सर व्हाइट केन लेके थोड़ा सा सैर करने निकल गए थे। एनीवेज गर्ग साहब है हमारा जी, गर्ग साहब आप बता रहे थे व्हाइट केन के बारे में। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे का एक फ्रेंड है जो संस्थान में काम करता है, के द्वारा मुझे कि जो आईआईटी के वॉलंटियर्स हैं स्मार्ट केन पे वो भी काम कर रहे हैं इसे बेहतर बनाने के लिए, आने वाले टाइम में जो भी यूजर्स हैं इसके उसमें जीपीएस एनेबल होगा ये स्मार्ट केन, तो उससे और मूवमेंट करना साइट के लिए ज़्यादा सुगम्य हो जाएगा। तो और भी ऐसी फीचर्स काफ़ी इसमें डाली जा रही हैं, जैसे बस स्टैंड पे आपको बस आपको पता चल जाएगा कि बस कौन सी बस आई है, इस तरह की कई फीचर्स उसमें आने वाले टाइम में आप देखेंगे। तो इसकी जानकारी मेरे को एक मेरे फ्रेंड से पता चली थी, वो मैं आपको शेयर करना चाहता था। तो बस आपके एक्सपीरियंस क्या है मोबिलिटी को लेके? मेरे एक्सपीरियंस तो ये है कि मेरे को काफ़ी मतलब सुविधा होती है इसको लेने में, लेके जाने में, और काफ़ी मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस हुआ नहीं जो मैं शेयर करूँ यहाँ पे, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसके लिए ना, मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ इसको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और अगर आप वेट केन के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो जनरली अमेरिका में और जो बाहर है कंट्रीज, इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, 120 घंटे कम से कम आपको ब्लाइंड फोल्ड करके नेविगेट करने के लिए कहा जाता है। तो आपको 5 दिन आपको चलाते हैं कि आप उसको फील करें, फिर आप बताएं खुद करके जो साइटेड इंस्ट्रक्टर होते हैं तो वो बताते हैं। जनरली जो मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो साइटेड ही होते हैं या कुछ पार्शल होते हैं, टोटली ब्लाइंड कम होते हैं। तो इसके बारे में क्या जी क्या 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 बताएं हम, क्या जानना चाहते हैं आप? नहीं नहीं मैं लिसनर्स को बता रहा हूँ मोबिलिटी है। तो जिमी आपकी खुद की मोबिलिटी कैसी है? जी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि मैं जब ये मतलब केन यहाँ पंजाब में लाई गई थी तो जिन लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया था इसके लिए एनरोल किया गया था उनमें से मैं एक था, तो मैं उससे बहुत पहले से केन को यूज करता था। तो जब मैं इसे एक पहले वाइट केन की तरह यूज करता था तब भी पूरे तरीके से कर लेता था, और उसके बाद मैं अभी इसे एज अ स्मार्ट केन पे अच्छे से यूज कर रहा हूँ। जी मोदी साहब आपका क्या एक्सपीरियंस है? हेलो जी, तो दोस्तों मेरा स्मार्ट केन्स के साथ जो वो जनरल भी मोबिलिटी एक्सपीरियंस जी 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 जी
जनरल मोबिलिटीज में मैंने मेरा तो ये मानना है कि मोबिलिटी तो हमको खुद से ही आनी चाहिए. हम ट्रेनिंग लेते हैं, इससे अच्छा तो ये कि हम दूसरों से जानकर और हम थोड़ा बहुत अनुभव से सीखे. वही मेरे लिए तो मैंने तो यही वही किया है. और मैं से अभी मैंने कोई मोबिलिटी की ट्रेनिंग भी नहीं ली है और मैं अभी ऐसे ही चल रहा हूँ. मोबिलिटी की ट्रेनिंग के बिना ही मैं सब जगह जा रहा हूँ. ये कहना बिल्कुल सही है मीत का दानिश, क्योंकि हमने भी मोबिलिटी की ट्रेनिंग नहीं ली. हम भी डे स्कॉलर रहे थे, तो खुद से जो हम ट्रेनिंग लेते हैं वो ज्यादा परफेक्ट है, और क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से सीखते हैं. और हम ये मना नहीं करते, इनकार नहीं करते कि मोबिलिटी ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बेसिक्स कई बार सीखनी पड़ जाती है उनको. लेकिन कोशिश ये उनकी कि खुद ही शुरू करें, ताकि जो कमियां रह जाएं वो मोबिलिटी ट्रेनिंग लेकर पूरी की जा सकती है. और सर, मैं दूसरा कुछ ये कहना चाहता हूँ कि हमको जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो हम दूसरे ब्लाइंड्स को पूछ सकते हैं. जो हमारे ओल्डर ब्लाइंड्स हैं या हमारे दोस्त हो, उनका कोई एक्सपीरियंस हो, तो हम उनसे भी बात करके हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको निपटा सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ. आप सहमत होंगे? बात में एक ऐड करता हूँ कि अब क्या हो रहा है कंट्रीज में, अब एक चेंज आ रहा है. जो ब्लाइंड की ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो ओल्ड एज पीपल की भी है, जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी भी है. तो जब हम अवेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे रैंप बन रहे हैं फिजिकल डिसेबल के लिए, जब लार्ज टेक्स्ट आता है, जब लार्ज फॉन्ट आ रहा है, इसी तरह जो केन की ट्रेनिंग्स हैं वो सीनियर सिटीजन के लिए भी डे बाय डे बहुत हो रही है, और बहुत सारे लोग यूज भी किया है, शुरू कर दिया है. तो जिमी, मैं ये जान रहा था आपसे, कभी ऐसा हुआ भीड़ भड़ाका में हम केन लेके जा रहे हैं और केन बस के नीचे आ गई, गाड़ी के नीचे, स्कूटर के, टूट गई, और फिर वहां पे थोड़ी सी मुश्किल आ गई, यार अब तो ये भी टूट गई, ये भी साथ छोड़ दी हमारा, या दो लेके चलते हैं? जी देखिए, वैसे मैं बहुत कम ऐसा होता है जैसा आपने बताया, लेकिन ऐसा हो जाता है. ऐसा होता सिर्फ इसी रीजन से है कि जो इंडिया है, इंडिया में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, कुछ लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, जिस वजह से वो ऐसा कर बैठते हैं. उन्हें लगता है कि शायद इन्हें कोई ऑर्थोपेडिकली ये हैंडीकैप्ड हैं, तो शायद इसलिए ये केन लेकर चल रहे हैं. उन्हें ये समझने में थोड़ी देर लग जाती है कि ये एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, और तो इसलिए ऐसा कई बार हो जाता है. लेकिन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें दो केन लेके चलनी चाहिए, लेकिन मैं अक्सर ऐसा कर नहीं पाता हूँ. रहमान साहब, जब ये बताए, एक बड़ी बात हमने शुरू की थी सोशल स्टिग्मा की, जो हम मनीष के साथ डिस्कस कर रहे थे. ये सिर्फ मनीष की प्रॉब्लम नहीं है, हजारों लाखों ब्लाइंड की है, और 90% वीमेंस की है, वीमेंस विद विजुअल डिसेबिलिटी. तो क्या आप एक्सपीरियंस्ड सीजनल कैंपेनर हैं, तो क्या मैसेज है और कैसे ये लोग मोटिवेट कर सकते हैं परिवार को या समाज को? देखिए, सबसे पहले शुरुआत इन्हें खुद करनी होगी, क्योंकि जब ये खुद ही शर्माएंगे, मतलब बच्चे अक्सर ये शर्माते हैं कि यार क्या स्कैन लेके चलें, क्योंकि हम वहां बच्चों की बातें सुनते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम केन लेकर चलेंगे, लोग देख के क्या कहेंगे. लेकिन शायद ये समझना उनके लिए मुश्किल है. अब जैसे कि वहाँ सेक्टर 4 का मार्केट है जहाँ से ये लोग जाते हैं, वो एक इंट्रा हाईवे आप कह सकते हैं, इंटरनल हाईवे है एक तरह का वो, जिस जगह पे वो जाते हैं. काफी बड़ी सड़क है और बहुत हैवी ट्रैफिक वहां होता है. तो वहां पे अब क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्कूल है ब्लाइंड, इसलिए लोग वहां ऑटोमेटिकली धीरे कर लेते हैं. जब वो देखते हैं बच्चों को लाइन में आते हुए, तो वो समझ जाते हैं. लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान हो जिसने पहली बार इस रूट पे सफर किया और उसे नहीं मालूम हो. कल को आप बिना केन के चल रहे हैं और टकरा जाएं, चोट एक साथ कई लोगों के लगी है, और ऐसा हुआ है, कई बच्चों की चोट वहां लगी भी है विदाउट केन जो चलते हैं वो. तो ये कुछ हमारी जो बच्चों की फैमिलीज हैं उन्हें भी ये बात बतानी पड़ेगी कि देखो बच्चे, आपको केन लेके चलना पड़ेगा, केन ही आपकी पहचान है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुश्किलात तो आ ही रही हैं. चोट लगने के बाद फिर नेचुरली समझ में आता है बच्चों के, तो इससे अच्छा है कि वो पहले ही समझ लें. बिल्कुल, मुझे लगता है कि जी वरुण, एक एग्जांपल और है. एक मेरा फ्रेंड है, नाम तो मैं नहीं लूंगा उसका, लेकिन वो भी केन के साथ नहीं चलता है, टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद भी, और वो चलता इतनी तेज है, टकरे खाता है, लेकिन फिर भी वो केन का यूज नहीं करता. उसको कई बार समझाया कि भैया केन का यूज किया कर,
लेकिन फिर भी वो नहीं करता है, वो भी इसी चीज को ही मानता है, शर्म करता है ये वो समथिंग। हाँ बहुत सारे लोग यूज नहीं कर पाते, और मुझे लगता है उनको ये समझना चाहिए और अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहिए कि बहुत सारे लोग हमारी मदद नहीं करते हैं आसपास के, स्टिग्मा के कारण ना करने देते हैं ना खुद आके करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि आप कितनी देर इज अ सर्टन पीरियड यू कैन रिलाई अपॉन समबडी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट फॉर द यू नो लॉन्ग टर्म। दानिश ये देखो ना, उनको 250 मीटर तक वो पैदल जाते हैं और वो चलती हुई रोड है, फिर भी वो नहीं मानते हैं इस चीज को, और उनकी मोबिलिटी इतनी अच्छी, फिर भी अच्छी है मोबिलिटी कि जहाँ पे उनको पहुंचना होता है वो एग्जैक्ट वहीं पर ही पहुंचते हैं, ये भी मैंने देखा है। बिल्कुल, और आई थिंक जॉनी जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जॉनी आप हमारे साथ हैं? जी जी दानिश जी, मैं बिल्कुल साथ में हूँ। स्वागत है आपका वाइट केन डे पे, और आपकी तो मोबिलिटी माशाल्लाह है, तो क्या कहना चाहेंगे? सोशल स्टिग्मा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या टिप्स है आपकी इस तरह की मोबिलिटी होने का, क्या रीजन है मोबिलिटी के लिए? दानिश जी सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। अगर आप आगे कदम बढ़ाएंगे ना तो उसका आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा, और नहीं भी निकलेगा तो कम से कम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आपका खुद का बढ़ेगा। अब मैं अभी एक स्कूल में जॉब कर रहा हूँ आपको पता है, और वहां पे तकरीबन 8-9 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पे प्रॉपर कन्वेंस नहीं है, तो 2 किलोमीटर का एरिया तो बिल्कुल ही ऐसा जहां बिल्कुल भी कन्वेंस है ही नहीं, कोई गलती से लिफ्ट मिल गई तो ठीक है अदरवाइज नहीं। और रेलवे फाटक जो मेन अमृतसर दिल्ली लाइन है ये पार करके जाना होता है। और मैं जब पहले तो मेरे साथ मेरे मिसिज जाते रहे, लेकिन एक बार क्या हुआ मेरे को अकेले आना पड़ गया, तो मैं बहुत घबरा रहा था कि होगा क्या आखिर। तो उस दिन मैंने बोला जो होगा अब तो होगा, क्योंकि करना कोई सोल्यूशन तो है नहीं मेरे पास, जाना तो है ड्यूटी भी, और मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है मैं टाइम पे ही ड्यूटी जाना पड़ता, लेट भी नहीं हो सकता। तो उस दिन मुझे अकेले जाना पड़ा, तो उस दिन से मेरा हौसला खुल गया, 2 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ा और रेलवे फाटक क्रॉस करके। स्टिक थी मेरे पास वाइट केन, उसकी सपोर्ट से मुझे आगे से ये प्रॉब्लम थी कि टर्निंग पॉइंट आएगा तो वो कैसे पता चले, क्योंकि वो रोड है, तो रोड से वो मैंने स्टिक से ही टर्निंग पॉइंट का मुझे पता चला। तो उस दिन मैंने थोड़ा ज्यादा समझा कि वाइट केन की वैल्यू क्या है, तो कभी यूज करने से समझ आता है, एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आता है। तो इसलिए मैं दोस्तों को यही कहूंगा, अभी भी हिम्मत ना हारें, जैसे आप कहीं फंस भी गए या कुछ रोड में, तो आपको आपके कान पूरा आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है जी, आपका माइंड भी पूरा अलर्ट है, तो आप ये ना सोचिए कोई हेल्प करने आएगा, कम से कम आप आवाज सुन के सही डायरेक्शन में तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको जरूर कोई ना कोई हेल्प के लिए मिल ही जाएगा। जो नहीं अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाते हैं उनके लिए क्या कहें? कन्वेंस जो फैमिली को नहीं कर पाते, देखो उनके बहुत से वे अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप समझाने से पेरेंट्स समझेंगे। मेरे माँ बाप ने जब मुझे स्कूल डाला था तो 2 महीने बीमार रहे थे, और बकायदा मेरे दादाजी से बहुत उन्होंने गालियां खाई थी, लेकिन आज वो रिजल्ट देख रहे हैं। तो माँ बाप को कन्वेंस करने के तरीके अलग अलग हैं, जरूरी नहीं आपके बोलने से समझें, आप धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ उनको उनके संपर्क में लेके आओ, ठीक है ना, और उसके बाद धीरे धीरे उनको अपने प्रोग्राम्स में लेके जाओ, डिसेबल क्या क्या कर सकता है, कैसे वो लोग चलते हैं, आप दिखा सकते हैं कुछ मॉडल्स, तो अलग अलग तरीके से उनको हम समझा सकते हैं। तो जरूर ऐसा मतलब वो जमाना नहीं रहेगा कि अब माँ बाप लकीर के फकीर रहेंगे, वो जरूर समझेंगे। तो आपको हम ये मोबिलिटी इन्वेस्टर बना दे रेडियो उड़ान का। अबे देखिए मोबिलिटी वाला बंदा पांव पीछे खींच रहा है। अच्छा जॉनी, मैं और जॉनी हम लोग काफी बार गए हैं अकेले, जब ब्लाइंड होते थे हम, एक बार 6 लोग ब्लाइंड टोटली शिमला भी गए थे हम लोग, जो कि 1-2 लोग हौसला नहीं करते हैं, और हमारी स्टिक जैसे मैंने जिमी से पूछा था कई बार, हमने बहुत स्टिक्स तोड़ी हैं जॉनी ने खासतौर पे ऑटो के नीचे आके। तो एक स्पिरिट होती थी जॉनी, वो 6 बंदों में तो चलो कॉन्फिडेंस होता है, कभी अकेले ऐसे हुआ कि एक स्टिक है वो ऑटो के नीचे आके टूट गई, अब क्या करें? देखो मेरे साथ हुआ था, मैं लुधियाना बस स्टैंड पे उतरा था, बस स्टैंड पे उतरा तो उतर के मुझे अंदर जाना था बरांडे में, तो एकदम से बस आई और उसके नीचे मेरी स्टिक आई,
वो टेढ़ी जरूर हो गई थी, खराब हो गई थी, लेकिन उसके उसका मतलब ये नहीं था कि मैं वहीं रुक गया अब क्या करना है, बढ़ना तो आगे है ही है भाई, क्योंकि ब्लाइंड के अगर स्टिक नहीं है तो पास में चलने से भी ब्लाइंड के पता चल जाता है, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन है ना कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, तो ऐसा होता है कभी कभार, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू मैनेज। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि स्टिक के साथ बड़े मजेदार इंसिडेंट भी जुड़े होते हैं, कई बार हम भीड़ में चल रहे होते हैं तो स्टिक मूव करते हैं तो किसी के साथ लग जाती है, तो अगला बंदा पूछता है तुम अंधे हो, फिर हमें बोलना पड़ता है जी। क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी होती है, लेकिन दानिश में यहाँ पे, लेकिन हमारे पंजाब में चंडीगढ़ में देखे तो बहुत लोग अवेयर हैं, व्हाइट केन देखते ही अगला समझ जाता है कि ये ब्लाइंड पर्सन है। जी, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने कल का ही आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कल जब आ रहा था वापस चंडीगढ़ से, तो वहाँ पे रास्ते में मैं जिनके साथ जा रहा था, तो मैं असल में कैब में था, तो कैब से मैं उतरा तो वो कैब के ड्राइवर ही मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको थोड़ा आगे छोड़ देता हूँ, तो मेरे एक हाथ में केन पकड़ी हुई थी, हालांकि मैंने उसे खोला नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ कि अगर कोई मेरे साथ चलने वाला है तो मेरा रास्ता खराब हो जाए, तो मैं इस वजह से केन को फोल्ड करके रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे खुद ही पूछा कि आप स्टिक लेके नहीं चलते, मैंने कहा नहीं मैं स्टिक लेके चलता हूँ, लेकिन जब कोई मेरे साथ होता है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो मुझे बहुत खुशी हुई उस समय जान के कि लोग इसके बारे में अवेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, लोग अवेयर हैं। अब रहमान साहब, आपका कोई एक्सपीरियंस लंबा अरसा है, आपने जरा कोई फनी या इंटरेस्टिंग किस्सा केन को लेके? एक्सपीरियंसेस तो बहुत है दानिश जी, क्योंकि इंटरेस्टिंग मजेदार किस्सा। हाँ, होता यूं था कि कई बार ऐसा हुआ कि हम जब अपनी यूनिवर्सिटी से आते थे तो कई बार रास्ते में आते हुए केन रिक्शा से रिक्शा के नीचे या किसी स्कूटर के नीचे आ जाए, कई बार हुआ। एक बार बिल्कुल यूं हुआ कि हम अपने कॉलेज पहुंचे, बस स्टैंड पे उतरे, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, कोई मिला नहीं, सामने से एक गाड़ी आई और एकदम सेंटर में गाड़ी से टकरा के केन हाथ से छूट के गिरी और टूट गई। बड़ी तकलीफ हुई, कैसे जाएंगे भाई, हम रुके नहीं, फिर भी हम अपने हाथ को आगे करते हुए उस सामने निकल गए, फुटपाथ पे सामने हमारे साथी खड़े थे, वो हमें लेके अंदर चले गए। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर हम रुक जाते या परेशान हो जाते तो प्रॉब्लम और बढ़ती। और केन का एक और भी फायदा बताता हूँ, मैं लेट ब्लाइंड हूँ, तो जब मैं बहुत जगह पे जब मैं साइटेड था तब, और उसके बाद भी जब मंडी बोर्ड में काम करने का मौका मिला, चंडीगढ़ में था मैं, और आसपास तो दोस्तों को सुनता ही रहता था, तो एक ये भी चीज़ है कि केन के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये ब्लाइंड जो होते हैं वो ईव टीजिंग के लिए जानबूझ के ये किसी की हेल्प लेते हैं, खासतौर पर फीमेल्स की। तो जब आपको स्टिक होती है तो आपको जनरली किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अभी तो खैर बहुत अवेयरनेस हुई है, लोगों को पता है, ये पुरानी फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान था ये ब्लाइंड को एक अलग तरीके की बहुत ही नेगेटिव पिक्चर देने का। एक दो फिल्म अच्छी आई स्पर्श जैसे, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में कॉमिक रोल्स होते थे ब्लाइंड पे, तो उसमें तो लोगों को बड़ा, आज भी कई लोगों को ये मैसेज है कि जो ब्लाइंड है वो छेड़ते हैं लड़कियों को हेल्प लेने के, अगर हेल्प लेंगे तो उनके हाथ को पकड़ी रखेंगे, तो ये टोटली फेक मिसकंसेप्शन है जो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती है समाज में। तो उससे भी ये अगर स्टिक हमारे हाथ में होती है, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, तो ऐसी जो अनडिग्निफाइड अनसोशल टॉक्स हैं तो उससे भी हम बच जाते हैं। मनीष, मैं तो देखो जी, अब तो देखो अगर केन भी हाथ में पकड़ी है तब भी कोई अपने आप से, मेरे को तो ज्यादातर ऐसे मिला, खुद से ही लोग हेल्प करने वाले मिलते हैं। हाँ, चेंज हमारे ऊपर ऐसा, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, हर स्कूल में स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है, हर सेक्टर में हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो और लोगों को समझ आ रहा है, देयर इज अ ग्रेट चेंज थैंक्स टू द डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट। और जी मनीष, मैं आपसे एक बात जानना चाहता था, जैसे आपने कहा कि आपके आसपास जो आपको अभी एक सोशल स्टिग्मा है, तो क्या आप ये वाला प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस बताए हैं, तो क्या आप अपनी फैमिली को ये समझाएंगे, ये प्रोग्राम सुनवाएंगे, जहां उनका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा इन चीजों में? नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में भी है ये, फैमिली के मन में नहीं है, बस मुझे भी शर्म आती है केन लेके बाहर निकलने में,
तो अभी सबको ज्यादा ये देखा है कि अपने एरिया में ज्यादा दिक्कत आती है। मैं सोचता हूँ किसी दूसरे शहर में हूँ तब कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मुझे कोई जानने वाला ना हो तब ये कर सकते हैं, तब आराम से कोई दिमाग में कुछ नहीं चलेगा। अब ऐसा लगता है कि शाम को यही काम करते हैं हम लोग। जिमी अब हमारे पास इंस्ट्रक्टर भी है तो हम ये एक वर्कशॉप लग जोनी भी है हमारा जाना चाह रहा था दानी जी। जी जी, जी बोलिए। केन लेके आप चलते हैं, अपने को सिर्फ एक फुट के आगे का रास्ता पता होता है कि खड्डा है क्या चीज, आगे बात है ऊंचाई है नीचाई है, एक या डेढ़ फुट ज्यादा ज्यादा। अपने रास्ता कैसे पता लगेगा कि सामने कौन सी गली है, किधर मुड़ना है, क्या करना है, वो कैसे समझ आएगा? जी जी, ये मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। जिसके पास थोड़ा बहुत नेट है या वो लोग लोकेशन देख के पता कर लेते कि ये कौन सा रास्ता है। मैं ज्यादातर मैप और आईडी जो एप्लीकेशन है वो यूज करके पता कर लेता हूँ कि मैं किस लोकेशन पे हूँ और कहाँ जाना है मुझे, तो वो मुझे आईडी बहुत हेल्प होता है। मैं इसका थोड़ा आंसर इस पे मैं करता हूँ। ये तो बड़ी टेक्निकल बता रहे हैं, ये भी आजकल बहुत यूज हो रहा है लेकिन ये मॉडर्न है मनीष। हम लोग इसे लेते हैं कि जैसे हम नई जगह पे जाते हैं तो हमें रास्ता नहीं मालूम होता और मैं दूसरों से पूछते हैं हम लोग कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो इसी तरह हम स्टिक से मूव करते हैं आगे जाते हैं, जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम आए तो किसी ना किसी से पूछ के डायरेक्शन हम पता कर लेते हैं। स्टिक से क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के राइट और लेफ्ट में स्विंग करते हैं, उससे आपको ये हो जाता है कि आगे जो भी ऑब्स्टिकल आएगी उसके साथ हिट होगी तो आपको कम से कम चोट नहीं आएगी। बिल्कुल, स्टिक को यूज करने की एक टेक्निक है ना दानिश जी। ऐसा होता है हम रोड के इस तरफ है और रोड के उस तरफ वाली किसी गली में अपने को जाना है तो कैसे पता लगेगा वो गली कहाँ आ गई है और कहाँ से आप मुड़े? टेक्निक्स होती हैं, आपको सिखाया जाता है आपको रोड की बाईं ओर रहना है और अलग अलग जैसे सीढ़ियां चलने की टेक्निक अलग होती है, वॉक करने की अलग होती है, क्रॉस करने की अलग होती है, आपने किस तरह से अपने हाथ की डायरेक्शन देनी है। जैसे नॉर्मल में आपने देखा गाड़ी चलाते समय आप हाथ देते हैं आगे उसको पता लग जाए, इसी तरह हम जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो अपना हाथ देते हैं और व्हाइट केन को एक हाथ से सीधा पकड़ते हैं दूसरे हाथ से इशारा देते हैं ताकि उनको पता लग जाए। तो ये अलग अलग है, जब आप सीखोगे और मूव करना शुरू करोगे तो यू विल फील वेरी रिलैक्स। जी जोनी जी, आप कुछ ट्रेनिंग जी, हमारा इंडिया देश है ना जो, ये अब ऐसा देश है इतनी दूर तक तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई आ जाता है। नंबर दो, नहीं भी आता आपको शुरू शुरू में जरूर प्रॉब्लम आएगी गलियां ढूंढने में, लेकिन जब आप खुद से चलने लगेंगे स्टिक को इस्तेमाल करके तो आप इतने खुद एक्टिव हो जाओगे, आपको पता रहेगा कि एक आइडिया रहेगा कि यहां से यहां। मैं आपको बताया ना टर्निंग पॉइंट मुझे नहीं पता था रोड का, वो रोड है बिल्कुल गली भी नहीं है, तो रोड का मेरे स्टिक से पता चला मुझे टर्निंग पॉइंट यहां पे है। ठीक है ना, वो जरूरी नहीं आपने उठा के यूज करनी है, सिचुएशन आने पर आपको थोड़ा धरती के साथ टच करके भी यूज कर सकते हो आप, है ना। मैं शेयर करता हूँ कि मैं जब लुधियाना जाता था स्कूल में तो जलंधर से मुझे बस को चेंज करना पड़ता था, तो एक बार बस वाले के पास टाइम नहीं था तो उसने बहुत जल्दी जल्दी में मुझे कहा कि मेरे पास टाइम नहीं आज, मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगा, हालांकि वो मेरा नॉन था, तो उन्होंने मुझे जहाँ बाकी सवारियां उतरी वहीं पे पैसेंजर के साथ उतार दिया। और वो ऐसी जगह थी कि चारों दिशाओं से बसें आ रही थी और पूरा हॉर्न का शोर था, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मेरे को कहाँ जाना है, राइट में भी शोर आ रहा है, लेफ्ट में भी आ रहा है, सामने भी आ रहा है, बैक में भी आ रहा है, तो क्या करूं। तो मेरे पास स्टिक थी तो दो तीन मजेदार बात है, एक ड्राइवर रुक गया, एक ड्राइवर ने वहां बस रोकी कि यार वो ब्लाइंड है उसके हाथ में स्टिक है, और दो तीन लोग आए कि आप ब्लाइंड है जी, तो चलो आप यहाँ गलत जगह पे, आप तो आपको स्टिक हर तरह से आपको हेल्प करती है, सामने वाले को पता लग जाता है और कोई आ जाता है वो इतने कंफ्यूजिंग में। अगर वो स्टिक नहीं होती तो कहीं ना कहीं मेरी टक्कर लगनी स्वाभाविक थी क्योंकि चारों तरफ से बसें आ रही थी बहुत गलत जगह पे मुझे उन्होंने। ये सही बात है दानी जी, शोर होता है तो बहुत दिक्कत आती है शोर में, इसका कैसे हल हो? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हेल्प करने के लिए बहुत से लोग आपके आ जाएंगे। ये मनीष इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हम आपको बता सकते हैं कि शोर का क्या इलाज है, उसमें आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, आपको अपने ब्रेन का और कानों का बहुत यूज करना है। एक इसका मैं बता सकता कि ये टैबलेट खा लो तो ठीक हो जाएगा, शोर नहीं आएगा, तो इसके लिए टैबलेट नहीं, आप तो बहुत पुराने इस चीज में से ट्रिक पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब यू हैव आपको अपने ब्रेन का और कानों का बहुत ही ज्यादा यूज करना है। एक चीज और हम शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे दानिश, दाएं बाएं किसी के बारे में नहीं सोचना है आपको, आपका अटेंशन उस समय
सिर्फ और सिर्फ आपकी मोबिलिटी पे होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए जहां शोर आ रहा है, कि आपको हल्की से हल्की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। दानी जी एक चीज और शेयर करना चाहेंगे हम यहाँ पे कि जिस वक्त मनीष आप चल रहे हैं रोड पर, उस जगह पे जहां फुटपाथ नहीं होते, वहां पे जिस डायरेक्शन में आप चलते हैं उस डायरेक्शन में रोड के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं श्योर लाइन, जिसे कच्चा रास्ता कहते हैं हम, जो जब रोड जहां पे उसका एज होता है, रोड का जो ढलवा हिस्सा होता है जहां पर रोड खत्म होता है साइड उसकी, वो रास्ता कुछ अनसर्टेन सा होता है, अनिश्चित सा बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं श्योर लाइन। तो उस श्योर लाइन को उसके अंदर स्टिक को चलाते हुए आगे पीछे रखते हुए और साथ में उस श्योर लाइन को देखते हुए आप चलेंगे तो आपको जो मोड़ आएंगे रोड के वो आपको समझ में आते रहेंगे। ये भी थोड़ा सा ध्यान, मतलब जितना वॉक करोगे उतना आएगा। एक प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है कि क्योंकि हम बहुत सारे लोगों जो नॉर्मल लोग हैं, नॉन डिसेबल सो को नॉर्मल लोग हैं, उनकी एक कंसेप्शन है कि शायद ब्लाइंड हो गया है तो इसका मतलब है वो इंसान ही नहीं रहा, ही टर्न टू समथिंग यू नो लाइक एलियन, तो वो इंसान में नहीं आ। और एक नई चीज डेवलप हो रही है हमारे ब्लाइंड लोगों में भी जो बहुत हानिकारक है, तो उस तरीके में भी मैं थोड़ा सा आप बताना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ लिसनर्स को जो भी सुन रहे हैं। जिस तरह से जो नॉन डिसेबल हैं वो बाइक चलाते समय हेडफोन लगाते हैं और गाड़ी चलाते समय हेडफोन लगाते हैं और एक्सीडेंट होता है, उसी तरह से आजकल ब्लाइंड लोगों में एक हैबिट डेवलप हो रही है, वॉक करते समय मोबाइल कान पे ही रहेगा, तो आपको सारा काम अपने कानों से लेना है, और वो कान लगाते हैं फिर कोई खंभे से टकरा रहा होता है, कोई गड्ढे में गिर रहा होता है और अगले बंदे को भी परेशान कर रहा होता है, सामने वाला भी कहता है यार जब तुम्हें नहीं दिखता तो तुमने मोबाइल कानों में क्या लगाया, थोड़ा मैं हॉर्न बजा रहा हूं तुम्हें सुन नहीं रहा। तो इस चीज में थोड़ा सा हम लोगों को बचना है, मोबिलिटी करते समय बी कॉशियस बिल्कुल भी इस तरीके का, ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आजकल पता नहीं है कहाँ, इंडिया की जैसे हमारा ग्रेट देश है तो पता नहीं है कि कहाँ पे आपको आपको गाही के साथ टक्कर हो जाए, किसी खड्डे में आप गिर जाओ, किसी नाले में गिर जाओ, तो आपको अपनी मोबिलिटी तरीके से लो। 20,000 वाला छीना भी जा सकता है दानिश जी। हाँ मोबाइल भी छीना जा सकता है। जी जी दानिश एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी जो जोनी जी ने बोला कि मोबाइल छीना भी जा सकता है, जैसे मैं डीसी ऑफिस में हूँ, मेरे यहाँ पे आते हैं लोग, क्योंकि एसपी ऑफिस भी हमारे यहीं पे ही है और ट्रैकिंग पे भी यहीं लगते हैं, हमारे ऑफिस में भी फोन लगते हैं, तो आजकल साइटेड लोगों के साथ ये घटना हो रही है कि वो सड़क पे फोन यूज करते करते चल रहे होते हैं, बाइक पे बंदा आता है फोन छीन के भाग जाता है। बिल्कुल, तो ब्लाइंड के साथ तो हो सकता है, तो हाँ हुआ है हमारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, तो इस चीज के लिए बचना चाहिए। और लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सारी जो विजुअली इंपेयर्ड लड़कियां हैं उनके रिश्ते इस तरीके से नहीं होते, वो आप जो टोटली ब्लाइंड को भी अगर शादी करनी है तो उस पहली प्रेफरेंस होती है आपको मोबिलिटी आती है, पहला सवाल ये होता है, दूसरा कुकिंग होता है। तो फीमेल्स को भी आगे आना चाहिए फैमिली के साथ, या उसको थोड़ा समझना चाहिए, तो ये इट इज बिकमिंग डे बाय डे वेरी ग्रेव इशू, सो वी कैन टैकल इन अ पॉजिटिव मैनर। तो हम इसको मोबाइल को यूज करते हुए सड़क पे मोबिलिटी ना करें, और लड़कियां मोबिलिटी जो नहीं करती हैं वो सीखें, क्योंकि वो किसी का इशू ये नहीं होता कि बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, आप कितना पैसा कमाते हो कोई नहीं पूछेगा आपको विजुअली इम्पेयर्ड, वो यही पूछेंगे आपको मोबिलिटी आती है या कुकिंग आती है, ये जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। तो इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, सोचते सोचते घड़ी बता रही है कि अब समय आ गया है, और सोचे और वो आपको क्या सोचना है, एक्सेसिबल करेंसी जो कि आप सभी को मानते जानते हैं कि एक कैंपेन चल रहा है इंडिया में, ब्लाइंड ग्रेजुएट फोरम ऑफ इंडिया इस अभियान को लीड कर रही है, और ये हम सभी का है, और ये भी बड़ी विडंबना है हमारे देश की, एक समय ऐसा था जब करेंसी एक्सेसिबल थी, यहाँ जिन चीजों को एक्सेसिबल बनाना है वो तो दूर की बात है, जो एक्सेसिबल है उसको भी इनएक्सेसिबल बना देते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि 2 के सिक्के में डिजाइन अलग होता था, 5 के सिक्के का अलग होता था, नोट में गैप होते थे, लेकिन अभी वो करेंसी को पूरी तरह से इनएक्सेसिबल बना दिया है। आपको पता नहीं है कि ऑटो वाले को गलती से आप 50 की जगह 500 दे दें, 100 की जगह दे दें, तो ये किस तरीके से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको 9 बजे का एक मुलाकात सुनना है, जो कि विशाल जैन जो कि प्रेसिडेंट है ब्लाइंड ग्रेजुएट फोरम ऑफ इंडिया के,
तो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे कि वो किस तरह से इस कैंपेन को लीड कर सकते हैं। exchange.org पे कैंपेन चल रहा है। मेरी पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक उसको साइन नहीं किया पिटीशन को, वो जरूर करें, क्योंकि ये मैटर सिर्फ ब्लाइंड ग्रेजुएट फोरम ऑफ इंडिया का नहीं है, ये सभी ब्लाइंड का है। तो इस प्रोग्राम में सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और उम्मीद है 9 बजे आप सुनेंगे इस पर शो एक्सेसिबल करेंसी, और उसके बाद 10 बजे मिसेज कंफ्यूजन। तो बहरहाल हम सभी को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक प्रोमो के साथ दोबारा छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यार सुमित एक बात पूछू? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? Oh my God, I'm so sorry सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई है, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूं मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि No cane, no game। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।